बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारे कायद मराहा की सिस्टर ला मरियम रियाज भट्टू साहबा मैनचेस्टर में तशरीफ लाई हैं। आज पीटी नॉर्थ वेस्ट की टीम उनके साथ बैठी हुई है और मैं आसिफ भट्ट और चौधरी शाहद अमर साहब अखलाक अमन वडाय साहब डॉक्टर संदीप साहबा और हमाद इफ्तार भट्ट साहब सलमान अली शाह साहब बनारस खान साहब और इसके अलावा मेहरजाद और हमारी डॉक्टर खलीला और मुमताज़ बिजनेसमैन हमारी नैना रानी जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं और डॉक्टर कौंसलर शहबाज सरवर साहब जो हमारे साथ तशरीफ़ी फरमा है। और आज हमारी पीटी की जो टीम है और मरियम रियाज साहबा वो तमाम साफियों का सवालों का जवाब देगी। तो मैं तमाम साफियों से ये गुजारिश करता हूँ कि वन बाई वन आराम से हर आदमी को मौका मिलेगा, आराम से वन बाई वन आप सबसे पहले उनसे सवाल करें और उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे। और हम सबसे पहले एक चीज़ को ज़रूरी समझते हैं कि हम आपका बेहद मशहूर हैं कि आप शार्ट नोटिस के ऊपर आप तशरीफ लाए। C44 के चौधरी सी साम ब्यूरो चीफ 92 के जनाब राजा आरफ साहब तारक लुदी साहब KTV थ्रू चीमा FCN और इसके अलावा और भी जो मीडिया के हजरात हैं जिनका मैं नाम ना ले सकूँ नवीद खान साहब जो कि उनका भी इंतहाई मशहूर है जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो अब बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं चौधरी वसीम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी मरियम रियाज भट्टू साहब UK के टूर के हवाले से बताइएगा और क्या आप किस तरह से इस जो काज उसको लेकर चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कल एक हमारी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई जर्मी कोर्मन से, कोई अबाउट 3 घंटे की लंच भी फैमिली के साथ किया। तो उनको हमने ब्रीफ किया, मेरे साथ पीछे और मेम्बर्स भी थे, ब्रीफ किया जो पाकिस्तान में रिगिंग करके जो हुकूमत बनाई गई और ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल, इसके बारे में उनको किया। और भी कुछ MPs के साथ मीटिंग है और मैं एक पर्सनल बेस पे बिकॉज ऑफ द फैमिली के इन्वॉल्वमेंट अपनी बहन की वजह से, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी लाइफ को सीरियस थ्रेट्स हैं, तो आई वॉन्टेड टू रेज दैट एट द इंटरनेशनल लेवल। सो दैट इज़ वाई आई एम हेयर, क्योंकि आपको पता है कि लोकल पाकिस्तान के मीडिया में तो बात ही नहीं कर सकते, इट्स वेरी कंट्रोल्ड। तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इंटरनेशनल मीडिया पर बात करें और इंटरनेशनल लेवल पर आवाज़ उठाएँ। सो